राजस्थान के 16 जिलों के अंदर आज कोहरा देखने को मिला, तापमान में गिरावट का दौर जारी है। और इसी बीच राहुल गांधी का जो प्लेन था उसे भी डाइवर्ट करके राजधानी जयपुर के अंदर उतारा गया। खराब मौसम आने वाले कितने दिनों तक बना रहने वाला है, ये जो कोहरे का असर है वह और ज्यादा देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, और आखिरकार बर्फ कहां कहां राजस्थान में जम रही है, इन सभी की तमाम जानकारी दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। राजस्थान की 16 से ज्यादा इलाकों में आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण इन एरिया में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज हुई। वहीं जयपुर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। सीकर के फतेहपुर में पारा 3.8 डिग्री रहा, तो उधर बीकानेर जैसलमेर में आज न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जोधपुर में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं कल से बारिश होने की भी संभावना है। दरअसल पाकिस्तान के फैसलाबाद लाहौर से भारत के वाराणसी तक का एरिया कोहरे की चपेट में आया है। राजस्थान में आज जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, बूंदी के अलावा उत्तर राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू के एरिया में भी कोहरा छाया रहा। तेज सर्द हवा चलने से इन सभी शहरों में सुबह से गलन और ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिली। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।